हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनजे गारमेंट्स में। 15 से 20 दिन हो गए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मैं बाहर था, दूसरे के सेटअप पे था, दूसरे का कारखाना ओपन करा रहा था। बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा। लोग कम पैसे के अंदर कारखाना ओपन करना चाहते हैं, तो ये सब पता चला वहाँ पर जाने के बाद में। मैं बहुत सारी ऐसी जगह पर गया, लोग कम पैसे के अंदर कारखाना ओपन करना चाहते हैं, है ना। कितना पैसा के अंदर ओपन करना चाहते हैं और क्या वो मुमकिन है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। जो मैं बताता हूँ वो कोई नहीं बताता, जो भी बताता हूँ सच बताता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लोग मतलब कम पैसे के अंदर कारखाना ओपन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं बस इतना पैसा मैं लगाऊंगा और कमाने लगूंगा, ठीक है। तो इस तरह लोग मतलब सोचते हैं कि मैं इतना पैसा लगा के अपना कारखाना ओपन करूंगा तो मेरा कारखाना मतलब ओपन हो जाएगा और मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। तो देखो मेरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी जगह पे मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे 2 लाख रुपया लगा के कारखाना ओपन करना चाहते हैं। तो भाई साहब, ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है आपका। आपसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं, आप कंपटीशन कैसे कर पाओगे। कम से कम मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा। छोटा सा अगर सेटअप लगाना है, छोटा सा कारखाना अगर ओपन करना है, तो 2 लाख में कारखाना ओपन नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी जगह पे गया जहाँ पे मतलब ऐसे भाई भी मिले कि मैं मतलब 2 लाख रुपया लगा के कारखाना ओपन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं, पूरा आपका पैसा ही डूब जाएगा। ये जान लीजिए, अगर आप कम पैसा लगा के करते हैं तो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा, आप उसमें कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं सामने, उनका कंपटीशन आप कैसे करेंगे। आप मशीन लेके आ गए, पूरा सेटअप बिठा दिए, कपड़ा लेके आ गए, मटेरियल का पैसा है ही नहीं, और आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसका भी कुछ पता है नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो भाई मेरे, 2 लाख के अंदर या 2.5 लाख के अंदर आपका कारखाना ओपन नहीं हो सकता है। अगर आप कर लोगे भाई साहब तो हमेशा परेशान होगा, जो आपको 2-2.5 लाख रुपये आपके पास है वो भी मतलब डूब जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई साहब आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपया उसके अंदर इन्वेस्ट करना है, और छोटा सा सेटअप लगाने के लिए, ठीक है, वो सीखने के लिए, ये नहीं मतलब आपको कमाने के लिए। बहुत सारी मैं ऐसी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आपको सीखने के लिए, और आपको ये इरादा बना के रखना है कि हमें इसके अंदर आगे और पैसा लगाना है। जितना ही हम प्रोडक्शन निकालेंगे उतना कमाई होगी, ठीक है, मशीनें आपको बढ़ानी होगी, ठीक है, जितना प्रोडक्शन निकलेगा उतना कमाई होगी। अब आप सोच रहे हैं नहीं यार, 3 मशीन लगा लूँगा और इसके बाद में मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा, तो ऐसा वैसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं करके देख चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना फंसे। ये इरादा बना के रखें कि मैं उसके अंदर और पैसे लगाऊँगा, मशीनें बढ़ाऊँगा, है ना, जितना मेरे पास पीस बनेगा, जितना पीस बनेगा उतना मैं सस्ता मार्केट में दे पाऊँगा, ठीक है। तो ये इरादा बना के रखिए। मैं सोचे कि मैं 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लगाऊंगा तो मेरा कारखाना ओपन हो जाएगा, महीने का 30,000 रुपया कमाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब। कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं कि यार आप ले लो 2 मशीन ले लो और कारखाना चालू करो 50,000 रुपया कमाओगे, ऐसा नहीं भाई साहब। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ, कभी भी नहीं बताया हूँ भाई। मैं हमेशा यही बोला हूँ कि भाई साहब आप छोटा सा सेटअप लगाएंगे, आपको धीरे धीरे जानकारी होगी, और उसके अंदर आपको जब जानकारी हो जाएगी तो उसके अंदर आप पैसा भी लगाएंगे, मशीनें बढ़ाएंगे, कारीगर हो जाएंगे, कैसे काम होता है, क्या तरीका होता है, वो सब अगर आप जान जाएंगे, है ना, हमेशा मैं आपको यही बताता हूँ, फिर उसके बाद में आप कमाना स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी कमाई होगी। ये नहीं कि 2-3 मशीन हमने लगाया तो चलो भाई कमाई मेरी 50,000 महीने चालू हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है। कुछ पैसे अपने पास एडवांस भी होने चाहिए, 1.5 लाख 1 लाख रुपया एडवांस भी होने चाहिए, और उसके बाद में पूरा मटेरियल, पूरा कपड़ा, जो भी आप बनाना चाहते हैं, मशीन, पूरा सेटअप आपको होना चाहिए कि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। आप थोड़ा सा कपड़ा लेके आए, और उसको बनाए। अब आप बोले कि ये मार्केट में बेच के फिर इसका मतलब जो पैसा आएगा मैं दूसरा लेके आऊँगा, तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। आपको उससे पहले आपको पैसा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई ये बनेगा मैं दूसरा माल लेके आऊँगा। ये नहीं कि मतलब ये बेच के फिर दूसरा माल लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपका सेटअप मतलब पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि कारीगर आपको काम नहीं दे पाएंगे, आप उस समय काम आपके पास ख़त्म हो जाएगा, वो कारीगर भाग जाएंगे फिर। तो हमेशा ऐसे बातों का ध्यान रखिए मेरे भाई साहब। बहुत सारी मैं ऐसी जहाँ गया हूँ, मैं जो रियल में देखा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। आपसे बड़े लोग जो बड़े बड़े बैठे हैं उनसे आप कंपटीशन कैसे करोगे, ठीक है। हाँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अगर नॉलेज नहीं है
तो आप सीखने के लिए छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं और इरादा आप बना के रखेंगे कि इसके अंदर हम और पैसा लगाएंगे, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो इसके अंदर कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई साहब, आप कंपटीशन के ज़माने में झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना, मैंने देखा है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं अपने सेटअप पर बैठा हूँ, मुझे 2 ही दिन हुआ है यहाँ पर आए हुए। ठीक है, मैं अपने सेटअप पर आ चुका हूँ, अब यहाँ से मैं कहीं मतलब और जाने वाला हूँ, है ना, कहाँ जाने वाला हूँ वहाँ पर देखूँगा। पहले मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले बात कर लेता हूँ कि भाई साहब आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी भी गया मतलब मैंने कन्फर्म बात नहीं किया, है ना, तो ऐसी जगह भी गया जहाँ पे मतलब उनके पास पैसे ही नहीं थे, है ना, खाली मशीन लेके आ गए, सब सेटअप बना लिया, कपड़ा लाने का, मटेरियल लाने का ऐसा पैसा ही नहीं था। तो ऐसे भी लोग हमको मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वही सब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए भाई साहब कि कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा छोटा सा सेटअप लगाने के लिए। ठीक है, ये इसलिए लगाने के लिए कि हमें जानकारी हो जाए, हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी हो जाए, फिर उसके अंदर जैसे हमें जानकारी होती रहेगी उसके अंदर पैसा हम लगाते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और ऐसी वीडियो लेके जो आपको नॉलेज देती हो।